लो पार्किंग के, सही बताना। गाड़ी पार्किंग के 100 रुपये मांगते हैं। 100 रुपये मांगते हैं। और बाइक के? बाइक के 30 रुपये। यही पर्ची कार वालों को दी जा रही है, यही पर्ची मोटरसाइकिल वालों को दी जा रही है, कोई फर्क कहीं नहीं है। पूरे तारिक रोड पे ड्रामा देखने में आ रहा है कि हर थोड़ी सी जगह के ऊपर एक बंदा तैनात है ये पर्ची लेके, और कामरान जो ठेके, कामरान ठेकेदार है। ये वही शख्स है जिसकी FIR। इधर इसको भी लेके आ जरा। तुम्हारे को तो अभी पुलिस के जरिए हमने बंद करवाया था, क्या हुआ, वापस कैसे छूट गया? सर जमानत हुई है। जमानत हुई है, फिर वही आके खड़े हो गए। जवाब तो जाएगी टीम के निशानदेही पे, वो 1 घंटे के अंदर अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच रहे। और पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान। जैसे कि मैंने आपको मुख्तलिफ इलाकों में दिखाया कि गैर कानूनी तौर पे चार्ज पार्किंग लेके कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और आखिर कौन करेगा इनके खिलाफ कार्रवाई? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपको हमेशा निशानदेही वही चीज़ों की करता हूँ जिनसे आवाम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि कार्रवाई कैसे होगी? लास्ट आपने प्रोग्राम देखा तारिक रोड का, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने बाहर किस तरह गैर कानूनी पार्किंग को लगा के बैठे हुए, और इसके जिम्मेदार कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन इस तरह की चीज़ों को चलने दे रहा है? हम आज एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि बड़े बड़े ब्रांड के बाहर किस तरह गैर कानूनी पार्किंग लगाई गई, और जो 10 रुपये की पार्किंग है वो किस तरह 30 रुपये लिए जा रहे हैं, और जो 30 की पार्किंग है वो किस तरह 50 और 100 रुपये लिए जा रहे हैं, और दोनों हाथों से कराची शहर वालों को लूटा जा रहा है। आए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन कौन सी जगहों के ऊपर, कौन कौन से ब्रांड्स के बाहर गैर कानूनी पार्किंग चल रही है। आए चलें और दिखाते हैं। अच्छा जी, ये वलीद हैं जो आप अक्सर देखते हैं कि हमारे नुमाइंदे हैं और हमेशा इन चीज़ों पे लीड करते हैं कि जाते हैं जगहों पे करते हैं। आज वलीद पार्किंग के ऊपर आप जा रहे हैं और देखिएगा कि पार्किंग वाले आपसे 10 रुपये लेते हैं या 30 रुपये की डिमांड करते हैं। आपने बाइक लगानी है और पर्ची ज़रूर लेनी है आपने, ये ख्याल कीजिएगा इस बात का, और बहसबाजी कुछ ना कीजिएगा, पहले आप देखिएगा कि वो कर क्या रहे हैं, और लेने के बाद 2-4 लोगों को भी आप देखिएगा, क्योंकि हमारी जो डायरेक्टर कयूम साहब हैं जो पार्किंग को, चार्ज पार्किंग को देखते हैं, उन्होंने कहा है कि जो बड़े ब्रांड नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, ये ब्रांड के ऊपर जो पार्किंग लगाई गई है ये लीगलाइज है, लेकिन अब देखना ये कि लीगलाइज है तो 10 रुपये होने चाहिए, और अगर ये गैर कानूनी तौर पर ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? आए चलें आगे बढ़ते हैं, आप वलीद आगे बढ़ें, हम आपको फोकस कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में मैंने आपको दिखाया कि वलीद को हमने एक बार फिर आगे भेजा है, जो वलीद हमारे नुमाइंदे हैं जो जाएंगे चार्ज पार्किंग में और कोशिश करेंगे कि उनसे बात करेंगे आखिर पार्किंग कितने पैसे वो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डायरेक्टर कयूम हैं जो ये देख रहे हैं अपना जो पार्किंग के मामलात हैं उनको देखते हैं KMC की जानिब से, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये हमें कहा है कि हमारी पार्किंग 10 रुपये KMC की चार्जिंग पार्किंग है बाइक की, और 30 रुपये है गाड़ी की। अब सवाल ये है कि जब वलीद वहाँ रुकेंगे तो जो ब्रांड के बाहर हम एक बार फिर जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हो या जहाँ पे रहा है वो एरिया है बड़े बड़े ब्रांड्स के बाहर, ये देखने में आ रहा है कि ये मामलात आवाम को, कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जाता है। क्या हाल है? इधर क्यों 30 रुपये ले रहे हो पार्किंग जी? क्यों 30 रुपये ले रहे हो? इसने कहा आपसे कि 30 रुपये पार्किंग, ठेके बड़े हुए सर, ठेके बड़े हुए जी, ठेकेदार कह रहे हैं ये तो चार्ज पार्किंग है, आपको पता है KMC की पार्किंग है ये जी, तो फिर 30 रुपये तो है नहीं, 10 रुपये रूल है, आप 30 रुपये क्यों ले रहे हैं? 30 रुपये ले रहे हैं सर, यहाँ पे ये पूरे 30 रुपये ले रहे हैं सर, यहाँ पर
30 रुपए ले रहे हैं सारे, तो आप भी कुछ देखें, आपने पर्ची ली हुई है 30 की, बिल्कुल ये कार की पर्ची है। आप गाड़ी में बाइक वालों को कैसे दे रहे हैं? हमारे को ये मिली हुई है सर जी। आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पे मुस्तकिल लोगों से पार्किंग ले रहे हो 30 रुपए, क्यों ले रहे हो, किसके कहने पे ले रहे हो? के एम सी का सर वोट। क्या नाम है के एम सी? डायरेक्टर है वो। और नाम बताओ? आएंगे वो शाम में आते हैं। नाम तो होगा, कोई नाम तो मालूम होगा, इनको बुला दो टी एम सी वाले को। टी एम सी की आपने के एम सी की कैब पहनी, कितने पैसे चार्ज ले रहे हो आप? कार के 30 रुपए, 50 रुपए मेरे सामने सर कैमरे में। आप मेरी बात आप नहीं, आपके सामने हमने गाड़ी लगाई, बिल्कुल लगाई। आप मजदूरी कर रहे हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन चोरी कर रहे हो ये गलत है। जब 30 रुपए, सुने मेरी बात, मैं आपको ये पर्ची तो आप मुझे दर्ज है, ये चार्ज पार्किंग की 30 रुपए पर्ची है जो कार के लिए। यही पर्ची कार वालों को दी जा रही है, यही पर्ची मोटरसाइकिल वालों को दी जा रही है, कोई फर्क कहीं नहीं है। कितने पैसे लेते हैं आपसे ये लोग पार्किंग के? सही बताना। गाड़ी पार्किंग के 100 रुपये मांगते हैं। 100 रुपये मांगते हैं। और बाइक के? बाइक के 30 रुपये के 10 रुपए बाइक की चार्जिंग जो चार्ज पार्किंग है। और वो ये उसकी भी स्लिप कोई हमें नहीं दिखाई जाती है। तो 30 रुपए हाथ में होंगे? नहीं नहीं, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का लेटर या केएमसी की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर हो या इनके हाथ में हो। चलो आप आवाम हो ना, आप इधर आइए, 10 रुपए पार्किंग पर्ची दिखाओ मुझे केएमसी की। लेटर गवर्नमेंट ने आपको ये अख्तियार दिया है कि आप इनसे 10 रुपए पार्किंग ले लो, वो लेटर दिखा दो आप। दिखाएं आप? नहीं नहीं, 30 वाला दिखा दे। जबरदस्त, 10 रुपए का पार्किंग ही नहीं है ना। आप 30 वाला दिखा। आप पूरे सर पूरे सदर में 30 रुपए ले रहे हैं, 30 या 50 रुपए पूरे कराची में 30 रुपए ले रहे हैं, इस कानून के तहत ले रहे हैं। तो वो मालिकों से हम तो मालिकों को हमें, मैं तो नया आया हूँ, आज गांव से आया हूँ। जवाब आप सदर गिनवा रहे हो, पूरा कराची गिनवा रहे हो? सदर में गया अपनी मोटरसाइकिल लेके, मेरे दूसरे 30 रुपए लिए मोटरसाइकिल पे, फिर उनसे पूछो ना भाई, ये केएमसी वालों से पूछो। ये बिल्कुल सवाल करूंगा ना इनसे, ये पूछे 10 रुपए वाली पर्ची है? पर्ची का है 10 रुपए। 10 वाली पर्ची लाओ, 10 वाली पर्ची दिखाओ। असली पर्ची नहीं है, 10 वाली पर्ची नहीं है। मैं देखो फिर पूछ रहा हूँ कैमरे के, क्योंकि जो यहाँ के ठेकेदार है ना, जो बदमाश बने हुए, फिर मैं कहता हूँ ना कि उनकी सरपरस्ती कौन कर रहे हैं, ये एक सवाल है। मुझे तो फोन आ जाते हैं ना कि आप ये काम क्यों दिखा रहे हैं, तो थोड़ा शर्म का मुकाम है। अगर आप में थोड़ी शर्म बाकी है तो ये जो कराची की आवाम है ना, इनको आप दोनों हाथों से लूट रहे हो, और फिर आप कहते हो कि हम अच्छा काम करते हैं। जब एक सवाल आता है ना, वोट को इज्जत दो, मैं फिर कहता हूँ आवाम को इज्जत दो, ये कराची के शहरी हैं। कितने पैसे लेते हैं अकड़ों के लोग? 50 गाड़ियों के। बाइक के कितने लेते हैं? 30। कोई एक सर डिप्टी आगे जो डायरेक्टर है कयूम साहब, मेरी उनसे भी अभी मैं कॉल करके रब्ता करूंगा कि कयूम साहब, ये इम्तियाज के बाहर की जगह है जो चार्ज पार्किंग है, जो लीगलाइज है, पर उसके लीगल के पैसे हैं 10 रुपए बाइक और 30 रुपए कार। पर ये आपके, आपको आप इधर आइए, ये इनके दो मुलाजमीन हैं जो यहाँ पे सर मौजूद हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये दो। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने इससे बार बार पूछा है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, 10 रुपए हैं आपके पास? 10 वाली पर्ची है? नहीं है, ठेकेदार ने दी नहीं है। होती है यहाँ पे, ऑफिस में पड़ी होती है, ऑफिस में रखी हुई है, पर तुम्हारे हाथ में तो 30 है, क्यों तुमने अभी हमारे बंदे को भी 30 रुपए की चार्ज पार्किंग दी? आपको पता है, यही बोल के दिए ना कि भाई रूल है, ठेकेदार है, पूरी रिकॉर्डिंग है तुम्हारी मेरे पास ना, ठेकेदार मांग रहे, जबरदस्ती करवा रहे ठेकेदार। जबरदस्ती वो बोलते काम करना करो, नहीं तो आपकी मर्जी है, काम करना है करो। ये गरीब बंदा मैं इनको चोर नहीं कहूंगा, ये 1000 रुपए या 800 रुपए दिहाड़ी पे यहाँ पर होगा, ऐसी ही दिहाड़ी तुम्हारी 1000 या 800, कितने हैं? 1000 रुपए दिन के मिलते हैं, 1000 रुपए, ये तो अभी FIR इस पे कट जाती है। सवाल ये, इसका तो कैरियर खराब कर दिया आप लोगों ने, क्यों कर दिया? क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो आपके काम निकालते हैं, शर्म का मुकाम है। आप इधर आइए जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास 50 रुपए वाली कोई पर्ची है? नहीं। क्यों नहीं है? 50 रुपए ले रहे हैं, लेकिन 30 तो आप भी ले रहे हो, 30 तो वो भी ले रहा है, लेकिन सवाल ये है, देखो सच बोलेंगे, देखो आप एक मिनट, देखें अभी पुलिस आ जाती है, मैं खुद कह रहा हूँ कि आप चोरी नहीं कर रहे, आप कराची को दोनों हाथों से लूट रहे, लेकिन किसी के कहने पे लूट रहे, आप नहीं लूट रहे, मजबूरी है। आपकी दिहाड़ी कितनी? 1000 रुपए? मेरी दिहाड़ी नहीं है, मेरी दिहाड़ी नहीं है, मैं अपना ठेका भरता हूँ। ठेके कितना, कितने का ठेका लिया? 1600 रुपए का दिन का। हाँ, दिन का 1600 रुपए आपने? जितना मेरे को बचेगा ऊपर मेरा नसीब है। गाड़ी वाला 50 भी देता है, 20 भी देता है, 10 भी देता है, 100 भी देता है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे, यहाँ पर क्या सूरत है? सर यहाँ पर 30 रुपए पार्किंग लेते हैं, मैं सिर्फ ये नुकता कह रहा था, अगर नहीं दो तो बदमाशी भी होती है, बाइकें उठा ली जाती है, बाइकें उठा ली जाती है, ये लोग 3-4 अभी नजर आ रहे होते हैं ना, ये 10-15 लोग आ जाते हैं। आज के बाहर मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कि मैंने फिर भी ले दिया कि आप एक ब्रांड के बाहर खड़े हुए, ये बताओ कि कितनी पार्किंग लेते हैं आपसे? 30 रुपए लिए जाते हैं, एकदम वैसे 10 रुपए लेते हैं। नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये 30 रुपए बाइक वाले से लेते हैं, 50 रुपए गाड़ी वाले से।
ये गैर कानूनी काम चल रहा है, 10 रुपए बाइक की पार्किंग है, 30 रुपए क्यों लेते हो? कभी पूछा नहीं आपने? हम तो नहीं पूछते, हम गरीब बंदे, हम क्या पूछेंगे? 8-10 लड़के हमारा गिरबान पकड़ ले, हम क्या कर सकते हैं? बदमाशी भी साथ साथ की जाती है, बदमाशी बिल्कुल खुली बदमाशी। बाइक के पैसे नहीं दोगे तो क्या होता है? बाइक का पेट्रोल निकाल लिया या तो कोई नट मट निकाल लिया बाइक की, बाइक करके या बाइक ही गायब। बाइकें भी यहाँ से उठती है, हालांकि 30 रुपए ये लोग बाइक पे लेते हैं और 3-4 बंदों की बाइकें ये लोग यहाँ से उठा चुके हैं। अच्छा जी, आप यहाँ पर मौजूद हो, ये इम्तियाज के बाहर एक ब्रांड है ना, उसके पास इतनी सारी बाइकें लगी हुई, ये बाइक वाले से कितने पैसे लेते हैं? 30 रुपए। अच्छा, ये मैं आप लोग से पता है क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि जब हम ये एक्सपोज करते हैं ना, दिखाते हैं, या उन इदारे को बोलते तो मानते ही नहीं है, बोलते नहीं वो तो 10 रुपए ले रहे हैं, या 10 रुपए कोई लेता है? नहीं, 30 रुपए से कम नहीं लेते हैं, और वो भी बदमाशी से। हाँ, आपने बात बोली, वो बता, चाबी उठा लेते हैं, चाबी निकाल लेते हैं, भाई नहीं ले जाओ गाड़ी, अगर नहीं दोगे तो बदमाशी है। अच्छा, आप कहते सारे पैसे क्या पूरा क्या बता रहे थे अभी, क्या पूरे इलाके में ये इधर जो पार्किंग है उस तरफ भी है? उस तरफ क्या? नॉर्मल रोड है, सर्विस रोड है, उधर भी पार्किंग बनाया हुआ है। जी, मैंने गाड़ी खुद उधर सारे पैसे के, जितने बैंक वाले पूरे एरिया हर जगह पार्किंग चल रही है, जगह पार्किंग चल रही है। बाइक वाले से कितने ले रहे हैं? 30 रुपए। 30 रुपए से कम नहीं ले रहे। बात वहीं आ गई कि आवाम के साथ बदमाशी भी कर रहे हैं और पैसे भी नजायज। कभी पूछा कि पार्किंग है कितने? कभी पूछा तुमने? नहीं, हमने तो नहीं पूछा। मैं आपको आपको कहूंगा कि हम बहुत सारी बात पर्ची दे रहे, सिर्फ कार्डिस चौक से सीट पे मार लेते, बस पैसे दो, पर्ची मर्ची कुछ भी नहीं दे रहे, बोल रहे पर्ची नहीं हमारे साथ, खत्म हो गया, पर्ची भी नहीं है, खत्म हो गया। आप पहली बार आई है? हम लोग यहीं आते हैं, ये लोग गाड़ी खड़ी करने नहीं देते, और अगर गाड़ी खड़ी करेंगे तो पैसे इन्होंने लेने हैं, छोड़ते है नहीं है। भाजी, कितने पैसे लेते हैं बाइक वालों से? अभी 30 लेते हैं, कभी 50 भी ले लेते हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं हम किसी से 10 रुपए ज्यादा लेते ही नहीं है। ये हमें, हम मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पर्ची दिखाएं, सबूत दिखाएं केएमसी की, तो ये फिर पर्ची भी दिखा देते हैं। पर्ची दिखाते हैं, और पर्ची में थी, मैं बिल्कुल आप दोनों को क्लियर कर दूं, आइंदा आपको 30 रुपए की पर्ची दिखाए ना तो वो गाड़ी की पर्ची है, एक्चुअल 10 रुपए पर्ची है बाइक वालों के लिए। अगर 10 रुपए की पर्ची आपको कोई ना दे तो उसको आप रुपया मत दे। देखिए, होता ये है कि कराची में आप अस्पताल क्यों रहे, आपको पता है कि बाइक का पेट्रोल निकाल लेंगे, हम एक मजबूर हो गए इनको 30 रुपए दे देते कि ताकि चलो यार बाइक सेफ रहेगी, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है सिस्टम, इनका सिस्टम ही अलग है। पर्ची के पैसे मांगते हैं तो हम बोलते हैं यार ये पर्ची हमारी बनी हुई है, हमारे पास ये सिस्टम है, और कहीं की जगह पर तो 50 रुपए पर्ची बाइक की बनी हुई है इनकी। बिल्कुल, मैंने प्रोग्राम में भी कहा, लोगों ने भी सुना कि ये सिर्फ अवामी मरकज की बात नहीं है, कराची में गुलशन इकबाल सदर कहीं भी चले जाओ ये माफिया, अगर मैं इसको माफिया कहूँ तो ये गलत नहीं है। आप एक बात आओ, आपके हराम के पैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल। तो अगर कोई 20 रुपए अगर अपने बच्चे को देने से बेटर कोई आपसे नजायज ले जाए, आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 30 और 50, 20 की तो बात ही नहीं करें ना, अगर आपके पास नहीं होता चेंज तो आप ये 1000 का चेंज भी आपको देंगे। पता क्या है, हम कराची वाले जो है ना, शायद या तो बहुत सकी दिल हैं या हम खुले हाथों से लुट रहे हैं। अब ये तय तो वो इक्तदार के जो लोग हैं ना, जो मुझसे मुझे कॉल करके कहते हैं ये चार्ज पार्किंग है, लीगल पार्किंग है। बिल्कुल मान रहा हूँ लीगल पार्किंग, ये लीगल पार्किंग है, यहाँ पे पर्ची देना फर्ज है, पर 10 रुपए बाइक वाले को, और हमने 50 बार पूछा किसी एक के पास 10 रुपए की पर्ची ही नहीं है। दोस्त, क्या कहोगे, शर्म का मुकाम है या नहीं इदारे के लिए? तो केएमसी के अफसरान को जरा कह दो ना, दो लफ्ज तो कह के जाओ कि भाई कराची वालों को इतनी बड़ा इम्तियाज खुला हुआ है, इम्तियाज वालों को चाहिए ना कि हमें पार्किंग दे। वो बिजनेस कर रहे हैं मैम, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं इस बात की कि आप बाहर लुट रहे हैं। वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वो वर्कर की वहाँ होगी। वालेकुम वालेकुम। यहाँ पर पार्किंग में से पैसे कितने लिए जाते हैं बाइक? 30 रुपए। 30 रुपए तो कह रहे हैं, आपको ये पता है केएमसी की पार्किंग कितनी? 10 रुपए। ऊपर 30 रुपए क्यों देते हैं? नहीं, ये तो खड़े करके ये बोलते हैं भाई अगर उठा के ले गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हमें 30 रुपए देने पड़ते हैं। ये आगे पीछे कर देते हैं गाड़ियाँ भी, पैसों के साथ बदमाशी भी हो रही है, बदमाशी भी हो रही है, और कोई पर्ची वर्ची कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे जुबानी गुलामी। माफिया है ये तो गलत तो नहीं? माफिया गलत, सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आए मजीद, अब बढ़ते हैं हम तारिक रोड की जानिब पे, जहाँ पर एक बार फिर मैं तारिक रोड पे जा रहा हूँ, और ये दिखाने के लिए कि एक बार फिर तारिक रोड में वही काला धंधा शुरू हो चुका है, जो हमने 24 घंटे पहले FIR कटवाने के बाद वो मखलूक चेहरा लोगों को दिखाए और बंद कराए, उसके बावजूद वो काम फिर शुरू हो गया। आए चलते तारिक रोड की तरफ।
रोड पर हम दोबारा पहुंच चुके हैं और वही कारनामा, वही चीज़ें दोबारा देखने में आ रही है कि तारिक रोड का वो इलाका है जहां पे लोगों से 50 रुपये कार पार्किंग लिए जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सामने रोड के ऊपर बंदा है और हम आपको दिखाते हैं, आ जाएं। अभी तूने मेरे सामने 50 रुपये भाग लिया, उसने खुद दिया। वो तो मैंने देखा पर्ची, 50 रुपये क्यों, आप 20 रुपये वापस करते ना, 30 है ना तो 20 वापस करो ना। उसने ऐसे यार बात सुनो खान साहब, देखो कोई भी ना बच्चा नहीं है, थोड़ा सा अकलमंदी वाला आप नहीं ना, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप मुझे शरीफ बात करो। 2000 ठेका है, 2000 पे ठेका है तो यार आवाम से नोट निचोड़ोगे, मतलब गरीब आवाम को निचोड़ोगे। भाग भी जाते, भागो नहीं, सच बोलो 50 रुपये क्यों लेते? 50 तो नहीं लेते सर, कोई कोई भाग जाते, कोई 50 दे देते, कोई 20 दे देते। कितना वैसे कितने पर्ची पे क्या लिखा हुआ है? 30 रुपये। कितने ठेके पे काम कर रहे हो? 2000 तुम्हारा ठेका है, ये आपको ठेकेदार को कमा के देना है जी जी, और जो ऊपर बच जाए 800-900 रुपये वो तुम्हारा है। 800-900 चोरी नहीं कर रहे, मैं खुद कह रहा हूँ, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो यार एक सवाल है ना मेरे भाई, कराची की आवाम से तो नहीं लूटो ना यार, ये जो आवाम है ना ये तो आपको 50 रुपये दे रही है, पता है किस डर से, कि अगर ये आपको नहीं देगी ना तो यहाँ से वो चीज़ लिफ्ट हो जाएगी, उसकी गाड़ी उड़ जाएगी, गाड़ी भी आप लोग क्यों उठवा देते हो? खान साहब सब होता है ना, सच बोल लो, कोई कोई सब सब आप नहीं उठा रहे, मैंने बात तुम्हारी मान ली, तुम नहीं उठा रहे, तुम नहीं उठा रहे, ठेकेदार को 2000 रुपये कमा के देते हो जी जी। मेरा केएमसी के अफसरान से दरखास्त है कि अगर एक सवाल का जवाब आप दे दें, अगर ठेके पे जगह आपने बाटी में है, ठेकेदार इनको 2000 रुपये लेता है इनसे और फिर ये 800-900 उसमें भी कमा रहे हैं, तो एक काम करें इन लोगों को ही जॉब्स दे दें, ताकि ईमानदार इनकी सैलरी अगर 1000 रुपये रख देंगे तो वो जो 2000 रुपये ठेकेदार ले रहा है वो अपनी जेब में रखने के बजाय वो गवर्नमेंट की जेब में चले जाएंगे। खुदा रहा थोड़ा सोचें, कसूर इनका कम है, ज़्यादा उन लोगों का है जो माफिया इनसे काम कराता है। खान साहब कोशिश करो जो पर्ची दी है वो लो, ऐसा काम ना करो जिससे आवाम परेशान हो, ठीक है? अल्लाह को राज़ी करना है ना तो ऐसे राज़ी अल्लाह नहीं होगा। ये 20 रुपये भी हलाल नहीं है, हराम जा रहे हैं, क्योंकि पर्ची पे अगर ये 50 रुपये लिखा हुआ होता ना, पर्ची दिखाएं, ये आप देखें पर्ची पे 30 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ले 50 रुपये ने, अभी मेरे सामने ने 50 लिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लेते हो 50 रुपये, आप लोगों से मांगते भी 50 रुपये, कोशिश करें ऐसा ना करें, ठीक है? आइंदा नहीं करोगे? आए आगे मैं आपको दिखाता हूँ मजीद। पूरे तारिक रोड पे एक बार फिर हम मौजूद हैं और पूरे तारिक रोड पे एक ड्रामा देखने में आ रहा है कि हर थोड़ी सी जगह के ऊपर एक बंदा तैनात है ये पर्ची लेके, और कामरान जो कामरान ठेकेदार है, मैंने पहले ही कहा कि केएमसी का ये कामरान है या क्या जॉब है ये मुझे नहीं मालूम, पर भाई 50 रुपए खुशी से लोग दे रहे हैं आपको, आप जबरदस्ती नहीं ले रहे लोगों से, 30 भी दे रहे हैं, 20 भी दे रहे हैं, कोई नहीं भी जाते हैं। एक गाड़ी वाला मुझे दिखाओ जिसके 30 रुपए तुम्हें दिए हो, मुझे एक गाड़ी वाला दिखाओ। देते हैं 30 भाई, सब देते हैं, 30 भी देते हैं, 20 बोलोगे ना तो शायद ये बात आगे रखी जाए कि तुम सच बोल रहे हो, तुम सच नहीं बोले, 50 रुपए सबसे ले रहे हो क्यों? ठेका कितना दे रहे हो? 50 कितने दे रहे हो? खुशी से 100 भी दे रहे हो। तुम ठेकेदार को क्या दे रहे हो? मैं दे रहा हूँ 1200। 1200 रुपये ठेके पर ये जगह है बेसिकली, अब ये लोगों से कहता है मुझे खुशी से 50 दे दें, जबकि ये जगह बाटी कैसे गई है, लीगलाइज है ही नहीं पर बाटी हुई है। अब सवाल ये क्या गवर्नमेंट सो रही है या गवर्नमेंट के नीचे अफसरान जाग के इन लोगों से ये काम करवा रहे हैं? दिहाड़ी क्या तुम्हारी कम से कम 1000 रुपये निकालते हो? 600-700 बन जाती है। चलो अच्छी बात है, आवाम आए बेवकूफ़ बनेगी, कोई 100 देगा कोई 50 दे देगा, है ना? आवाम तो बेचारी बेवकूफ़ है, अकलमंद तो ये लोग हैं या फिर इनके ठेकेदार हैं। आए मजीद दिखाते हैं आपको, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि 30 रुपए ना ले लोगों से, लिए लिए। देखिए बात वो करें जो हो, खुशी से दी थी तो ले ली थी, उस दिन भी खुशी से ही लोग तुम्हें दे रहे थे, अभी भी चार बंदे हमारे तुम्हें दिखे गए, मैंने बोला था देखो ये सबसे ले रहे हैं। बाबा देखो एक बार एक में सुने, आपका ठेका क्या? ठेका बता दो, ठेका कितना क्या है? सर मैंने उस दिन भी बताया था 1900 रुपये दिए। आप 1900 ठेके पर हो ना, आप कोई 30 दे 20 दे 10 दे वो आप ले लेते हैं। कोई अलग चीज है, अल्लाह ताला अल्लाह ऐसा नौबत ताला मैंने ना ज़कात अगर आपको कोई दे, मैंने पहले भी कहा है कि आप बुजुर्ग को इस उम्र में, मैंने उस दिन भी कहा मेरी रोजगार कोई है नहीं, मैं रोजगार क्या बोलता हूँ ना, केएमसी के उन अफसरान से मैं कहता हूँ कि खुदारा उन ठेकेदारों को ठेका देने से बेटर है इन लोगों को जॉब दे दें, कम से कम ये रोज खजाने में गवर्नमेंट के जमा कराएंगे, 1000 रुपये अपने भी निकालेंगे, 1000 रुपये लेते हैं ना, कितने जमा अपनी जिंदगी में कितने निकाल लेते हैं? मैं कभी 800 बन गया, कभी 700 बन गया, कभी 900, कभी 1000 किसी ने दे दिया, अगर बन जाते ना 1000 रुपये और 2000 रुपये आप कमा के भी दे रहे हो अगले को, ऐसे ही ना। अब ठीक है, 2000 रुपये की जो जगह इन्होंने ली हुई है वो 2000 रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं? वो उस कामरान की जेब में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नजायज़ पार्किंग बेपनाह लगी हुई है। ये आप देखें जरा रोड का एक सर्विस लाइन गाड़ियों की है ये बाइक, और ये वो जगह है जो मैं पहले भी लोकेट करा चुका हूँ, लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है कि आखिर ये इनके खिलाफ अगर FIR कट जाए तो ये बेचारे जो बच्चे इनके हैं वो भूखे मर जाएंगे शायद, कहने ये कहने पर मैं मजबूर हूँ कि शायद वो भूखे मर जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये गरीब हैं।
लेकिन हो क्या रहा है, इन्हीं को इस्तेमाल करके कामरान जैसे लोग इन लोगों के जरिए कराची वालों को दोनों हाथ से लूटते हैं। आए मजीद दिखाता हूँ, तुम हर बार मैं तुम्हें समझा के जाता हूँ कि काम नहीं करो, लीगल काम करो, आप क्यों गैर कानूनी काम कर रहे हो? मैं पिछली बार भी तुम्हें समझा के गया था, नहीं गया था कि गैर कानूनी काम ना करो? चलो ठीक है सर, नहीं करनी। हर बार आप यही कहते हो और फिर यही। एक बात, कितने का ठेका लिया? सही से बता। नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे सर। ठेका कितने का लिया? नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे सर। ठेका कितने का लिया तो बताओ? 1800 रुपये तुम्हें ठेकेदार को देने होते हैं कामरान को, बताइए। कामरान नाम है, क्या नाम है जी? कामरान नाम है। कामरान नाम है। 1800 रुपये कामरान को देते हो, 1000 रुपये तुम भी कमाते हो, ऐसा ही है ना? मिनिमम 1000 तो कमाते होगे ना? तो एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें बार बार मना करने के बाद आवाम से क्यों पैसे ले रहे हो जब ये गैर कानूनी है? अब नहीं करूँगा। 300 400 बार बार मना करने के बाद भी लोग आते भाई। मैं उस दिन भी आया था, पाबंद करके गया था, लेकिन अभी तो FIR है कटी है लोगों के, उसके बावजूद भी ये लोग खड़े हो रहे हैं। कितना बड़ा माफिया आपको क्या लगता है? बहुत बड़े माफिया है ये लोग भाई। आपने पहला प्रोग्राम भी किया, उसमें भी ये इशू थे आपके। अब ये लोगों को चाहिए इस पे कोई मतलब अमल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग भी दिए जा रहे हैं और ये भी रोज रोज आ रहे हैं। 400 रुपए लिए जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। एक बात बताओ, आवाम का क्या कसूर है, क्यों लूट रहे हो आवाम? सर नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। ये आप मुझे बार बार, अभी आपको पता है FIR कटी है पिछले, पता है ना आपके? कामरान को ये बोलो ना कि अगर इलीगल पार्किंग है तो आपको कोई लेटर दे, लेटर कहां है आपके पास? मैं अभी पुलिस बुला के बंद करा दूं आज आपको। मैं नहीं करूंगा आपको वादा है, कैसे नहीं आज लास्ट टाइम। ये गरीब लोग जरूर हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, रोड पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, पर कराची वालों को दोनों हाथ से भरपूर तरीके से लूट रहे हैं। और उसकी वजह ये कि अगर 30 रुपये पार्किंग ले रहे हैं कार की, जो लीगलाइज है, लेकिन वो जगह है लीगल, उसके बावजूद ये 50 रुपये लेते हुए इतनी ढिटाई रखते हैं कि वो एक तो हलाल आराम पैसा कमा रहे हो, पता है तुम्हें ये बात? ठीक है सर। सर बच्चे हैं? बच्चे हैं मेरे, तो बच्चे हैं जी सर। बच्चे कितने बच्चे? दो बच्चे। अब बताओ, बच्चों को हलाल रोजी खिला रहे हो, हराम खिला रहे हो? सर असल में और कोई काम है नहीं, मजदूरी। मैं आपको ये नहीं कह रहा, आप चोरी नहीं कह रहे, मैं ये भी कह रहा हूँ, पर एक बंदे के बाद अगर पैसे नहीं है, मिसाल के तौर पर आप लोगों की गाड़ी भी उड़ जाती है, 450-500 रुपये उसका चालान भरना पड़ता है सिर्फ आप लोग की, क्योंकि आप लोग कंप्लेन करते हो कि फलां गाड़ी वाला पैसे नहीं दे रहा। मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कैसे गाड़ी लिफ्ट होती है यहाँ से, ठीक है ना? सच बोल दोगे, मैं तुम्हारे को भी पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, लेकिन सच बताओ, जब एक बंदा अपनी गाड़ी खड़ी करके जाता है और वापस आता है, वो गाड़ी नहीं होती, वो लिफ्टर कैसे उठा के ले जाता? नहीं, लिफ्टर डबल में लगी होती है ना सर, फिर उठा के। सिंगल गाड़ी भी उठती है यहाँ से? सिंगल नहीं उठती, सिंगल भी उठती है। उठती है सिंगल? कितनी बार उठती है? बहुत दफा उठती है, बहुत दफा। गाड़ियाँ उठती है, गाड़ी भी उठती है। शायद लोगों को ये पता ही नहीं कि अब गाड़ी जो लिफ्ट होगी, जिसके 500 रुपये प्राइस थे ना जो वो लेते हैं, अब वो 700, अब तक 1350 हो चुके हैं, 1320, और बाइक के जो 200 रुपये थे वो 720 रुपये हो गए। पता है आप लोगों को ये बात? अगर इनको पार्किंग ना दे, ये गाड़ियों के पीछे एक एक किलोमीटर तक भागते हैं। मेरे पीछे लिबर्टी चौक से बंदा यहाँ तक आ गया था, पहले डप डप हाथ पे मारते हुए गाड़ी पे हाथ मारे जा रहे, अरे भाई अरे फैमिली बैठी हुई है, कोई भी मसला है। अब सवाल ये है कि एक बड़ा अच्छा मैसेज है जो पुलिस की जानिब से दिया जा रहा है कि अब जो बाइक उठाई जाएगी पार्किंग से, वो बाइक के पैसे 720 रुपये भरना पड़ेंगे, जो अब तक 200 रुपये थे, और अगर कोई गाड़ी लिफ्ट होके जाएगी तो वो 1320 रुपये होंगे, जिसके प्राइस पहले 500 रुपये थे। अब ये आवाम ख़रीदारी करने आई है, पहले इनको खुश करें, अगर ये ना खुश होंगे हजरात जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, तो फिर इनके जो बड़े सरप्रस्ते आला बैठे उनको खुश करना पड़ेगा 3 गुना। तो कोशिश करके आवाम इनको 50 रुपये दे के जान इसलिए छुड़ा लेती है कि चलो यार 50 रुपये हमारी जान छूट रही है। शर्म आती है थोड़ी सी? आती है। मैं लास्ट टाइम भी आपको कह के गया था ये काम नहीं करना, आज वादा। आज सुबह से अगर ये शख्स आपको दोबारा दिखता है तो इसकी फुटेज बना के आपने मुझे दोबारा बिल्कुल फोटो बना के, अगर आप इस पट्टी पे दोबारा दिखते हो तो आपके खिलाफ मैं पुलिस को, आपको मैं पुलिस को आज पता है क्यों आप लोगों को नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने अभी FIR जिन लोगों की कटवाई है वो लोग गरीब हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि बदुआएँ लगती हैं, बदुआएँ नहीं लगती, आप हराम कमा रहे हो। एक बंदे से जब पैसे लोगे और जिसके दिल पे एक रुपया भी चुभेगा ना, जिसकी मेहनत की कमाई है, वो आपको बदुआ देगा, दुआ नहीं देगा। चलते मजीद दिखाते हैं। अभी तुम्हारे एक बंदे की FIR कल ही कटवाई है ना, पता है ना तुम्हें, फिर तुम यहाँ पर मौजूद हो, क्या शर्म नहीं आती जरा? ठेकेदार क्या दिमाग खराब हो गया? एक बंदे ने तुम्हारी FIR कट गई, उसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर आके खड़े हो गए, फिर वही काम धंधा शुरू हो गया तुम्हारा? सर हम मना कर दे रहे हैं, हट जाते हैं। कितने पैसे लेते हैं सर ये आप लोग? 20 रुपये लेते हैं। किस बात के? 10 रुपये तो बाइक की बचा देंगे अगर वो लीगल पार्किंग है तो। ये 20 रुपये मांगते हैं सर, कभी 30 रुपये मांगते हैं। क्यों मांगते हो आप लोगों से पैसे?
सर हम मना कर दें। अगर ये मुझे किसी ने कहा ये लीगल पार्किंग है तब भी बाइक के कितने पैसे हैं बताएं आपको? 10 रुपए। किस बात के 30 रुपए मांगे आपने इनसे? पार्किंग पर्ची दिखाओ जरा। बात सिर्फ इतनी सी कि पूरा दिन ये मार्केट का तमाशा लगा के रखा हुआ है, जबकि इनके खिलाफ पहले 2 FIRs भी कटी हैं 2 दिन पहले, लेकिन उसके बावजूद ये माफिया इतना मजबूत है कि एक बार फिर उस ब्रांड के बाहर यहाँ मौजूद है। और मैं भी आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाऊंगा जो ब्रांड से वादे हुए कि अब नहीं होगा। ये पूरी गली वाले परेशान हैं, आज दिन कंप्लीट। मैं सुकून में था, बाकायदा फ़ोन आया कि एक बार फिर वहाँ पार्किंग जारी और सारी है। और भाईजान ये शख्स वो हैं जिन्हें 2 बार DSP साहब भी उस दिन लास्ट टाइम आपको कह के गए कि अब नहीं कीजिएगा, और एक बंदे की आपकी FIR भी कटी, ऐसा है ना? कोई पता नहीं था। जिस बंदे को लेके हम गए परसों गए थे 3 दिन छुट्टी पा रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल, पर्ची दिखाओ मुझे पर्ची। अब आप ये देखें बाइक के ऊपर बाइक की पिक्चर बनी हुई है। हजरत आप बताएं कितने लिखे हुए हैं? 30 रुपीज लिखे हुए हैं। जबकि मेरी कयूम साहब से बात हुई है जो डायरेक्टर है यहाँ पे, वो कहते हैं 10 रुपए बाइक चार्जिंग है, अगर वो भी कोई लीगल जगह होगी तो, और अगर कोई जगह लीगल नहीं है तो वहाँ किसी भी बिना पर पर्ची नहीं चलती। अब ये इससे बड़ा प्रूफ और क्या मैं दूंगा उन लोगों को जो लोग इस पार्किंग को लीगलाइज कह रहे हैं फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही कि उनके लोग यहाँ पर इसी तरह का काला धंधा जारी रखे हुए। बाइक की चोरी हुई है, इन्होंने बोल दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं आई थी। परसों अप्लाइड फॉर बंदा मेरे दोस्त साथ ही आया था, हम दोनों ने साथ बाइक निकाली थी, हम लोग सिर्फ ATM पैसे निकलवाने के लिए गए थे। इस हफ्ते में कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं। सर बोले बोले क्या कहना चाहेंगे? ये इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर देखना चाहिए। मेरे ख्याल में अदालत ने 10 रुपये पार्किंग रखी है, वो भी रियल जगह पर, जो रियल जगह है, बाकी ये हर जगह बदमाशी चल रही है, 30-30 रुपये ले रहे हैं। आपकी बाइक चोरी हो गई, आपका दोस्त की बाइक, आपने मुझे बोला क्या, किससे कहोगे? 4 दिन हुए हैं उसको लिए थे हम लोग, सिर्फ ATM यहीं से, यहाँ खड़ी की थी, मैं यहाँ खड़ी की है, यहीं खड़ी की थी, सिर्फ ATM से पैसे निकालने के लिए आए हैं और वापस बाइक नहीं है। इन्होंने साफ खड़े किया कि हमारा कोई वो नहीं होता, पर्ची पे लिख के जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वो प्रॉपर 57 मिनट्स की रिकॉर्डिंग निकाली उसने, आके हमें वॉच भी किया, आके दोनों बाइक खड़ी हुई है। पार्किंग लेते हैं आपसे यहाँ पर, ये तो बोलते हैं पार्किंग 10 रुपये ले रहे हैं। 20 रुपये ले। 20 रुपये एक्चुअल पार्किंग क्या है बताए आपको? वैसे तो 30 रुपीज बोलते हैं ये लोग। 10 रुपये पार्किंग है बाइक की, वो भी लीगल जगह पे है, और कोई स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं होती ना? नहीं होती। तंग करते हैं ये लोग अगर पैसे ना दे तो? बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं, खुद ही उठवाते हैं बाइक लिफ्टर के जरिए। खुद ही उठवाते हैं लिफ्टर के जरिए। आपको पता है लिफ्टर का चालान क्या हो गया बाइक का? 200 लेते हैं। सर आप 2023 में थे नहीं है, शायद 2023 में आ जाएं, अब 720 रुपये हो चुका है पहली तारीख से। ठीक है, बाइक अगर उठेगी तो 720 रुपये और गाड़ी उठेगी तो 1320 रुपये चला रहे। इनको 30 रुपये अगर आप नहीं देंगे ना बाइक उठ जाएगी। रोज के 1000 रुपये कमाते हो दिहाड़ी? क्या दिहाड़ी? 7-8 रुपये। 7-8 रुपये दिहाड़ी, बस दिन के 1000 रुपये कमा लेते हो ना। ये वही शख्स है जिसकी FIR, इधर इसको भी लेके आ जरा। तुम्हारे को तो अभी पुलिस के जरिए हमने बंद करवाया था, क्या हुआ, वापस कैसे छूट गए? सर जमानत हुई है। जमानत हुई है फिर वहीं आके खड़े हो गए? सर अभी शांति कार्ड उनके पास है तो अब क्या करें? जमानत हुई फिर उसी जगह आके, शर्म नहीं आ रही कि तुम 2 नंबर काम करने में मजबूर हो, पागल हो गया? हमारा शांति कार्ड उनके पास है, हम क्या करें? हमें शांति कार्ड तुम्हारे पास है तो तुम 2 नंबर काम फिर क्यों कर रहे हो? ये फिर तुम्हारे पर्चे दिखाओ जी। मेरे पास नहीं। एक बार तो बात समझ से बाला करें, इनकी FIR कटी है परसों यहाँ से, ये फिर जमानत लेके उसी जगह पर आके खड़े हो गए। कार्ड उनके पास है तो कार्ड लेके दे तो हम गांव चले जाएंगे ना सर। तो गांव जाने से पहले कराची वालों को अच्छा खासा लूट के जाओगे? अभी उन्होंने बोला है आप खड़े हो, आप यहाँ से, मैं आपको कह रहा हूँ मैं दोबारा पुलिस बुला रहा हूँ, जाना है तो अभी चले जाओ वरना यहाँ दिखना नहीं है। और अगर आप दोबारा यहाँ मुझे खड़े हुए दिखे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं खुद 15 में बंद कराऊंगा। ठीक है, ये मैं आखिरी बार, दोनों आप ऐसे जाएं दोनों। और ये मैं आज खुद इसलिए छोड़ रहा हूँ कि शर्म का मुकाम है, इनको परसों बंद कराया गया है, बाकायदा इनके ऊपर FIR कटी हैं, उसके बाद ही वो 24 घंटे के अंदर यहाँ आके खड़े हो गए, क्योंकि इनके ऊपर जो हाथ है ना वो एक बड़े पावरफुल बंदे का हाथ है, या तो फिर ये तो गारंटी बात है, या फिर वो माफिया चाहता है कि इसी तरह काम जारी और सारी रहे और ये गरीब इंसान यहीं पे पिसते रहे, क्योंकि 1000 रुपये तो दिहाड़ी है और कमा के वो 5000 रुपये दे रहा है तो किसको बुरा लग रहा होगा। लेकिन मेरा KMC डिपार्टमेंट से एक दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट को अगर फ़ायदा देना आप चाहते हैं
तो कौमी खजाने में पैसा ज्यादा जमा हो सकता है कि जब यही लोग आपको 5,000 रुपए कमा के दे रहे हैं, तो इन्हें नौकरियां दें, इन्हीं को आप कमाने के लिए नौकरियां दें ताकि ये कमा के कौमी खजाना भर सके, बानिस्बत ये ठेकेदारों के पेट भर सके। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं मेरे भाई कि आपने उस इंसान को मेरे सामने रखा कि जिसकी मैंने खुद 2 दिन पहले FIR कटते हुए देखी है इसी पार्किंग के ऊपर, उसके बावजूद यहाँ पर खड़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पर पार्किंग के पैसे देते हैं इनको? सर देते हैं, मेरे पीछे दुकान है, हमारे दुकान के पास इनके ठेकेदार हैं, 1500 रुपये आम दिन के, 2000 रुपये 2200 रुपये हफ्ते के ठेकेदार से लेते हैं। लेते हैं हम पार्किंग वालों से लेते हैं, दूसरे दुकानदार हैं हमारे यहाँ पीछे दुकान है, ये लेते हैं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से दिखा है। बहुत अच्छा काम किया, साल हो गए यहाँ दुकान को हम लोगों को, ये बड़ा अच्छा काम किया कि आपने इनकी बाइक बकायदा उस बंदे को पकड़वाया आपने। सर आप भी बाइक निकाल रहे हैं सामान लेने तो आते होंगे, पहली बार आए या आते रहते हैं? नहीं हमेशा आते हैं और यहीं से इम्तियाज से लेते हैं, और होता ये है कि बगैर अगर पार्किंग में अगर कहूँ ना कि भाई पार्किंग की चीज़ क्यों, यहाँ पे तो अथॉरिटी नहीं है किसी किस्म के, आगे मुझे प्रूफ दे कौन से डिपार्टमेंट के आप, KMC के कहाँ के, तो वो जवाब यानी कुछ भी नहीं दे सकते। फिर मैं उनको कहता मैं बताऊँ मैं कौन हूँ, फिर मैं अपना कार्ड निकालता हूँ नेवी का, मैंने कहा मैं नेवी के अंदर हूँ, यही मैं नेवी का हूँ, तो मैंने उनको दिखाया, फिर वो चुप हो जाता है फौरन, सर सॉरी यार आपसे नहीं लूँगा मैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि इम्तियाज से डिपार्टमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि बाहर अंदर तो आप कर रहे हैं अपना काम, लेकिन बाहर भी थोड़ा सा तवज्जो दें चाहिए। सर आप नेवी अफसर हैं, मुझे खुशी इस बात की आपने इस बात पर डिटाई बिल्कुल पक्का होकर बोला कि देखिए मैं एक अफसर हूँ नेवी, मेरे साथ भी ये चीज़ होती है और मैं इनको फिर समझाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सर आप तो चले पावरफुल बंदे, एक नॉर्मल इंसान जिसकी कोई ताल्लुक नहीं, जो अपने घर से अपने बच्चों को लेकर निकलता है, वो तो देता है हर हालत में, और अगर नहीं दें तो फिर बदतमीजी पर उतर जाते हैं। आप अगर ले रहे हैं मुझसे 30 रुपये तो आप, मैं आपको कहता हूँ ना पर्ची दीजिए, तो पर्ची नहीं है, अगर गाड़ी अगर अल्लाह ना करे यहाँ से गायब हो जाती है तो मैं उनको कहूँगा भाई ये गाड़ी कहाँ गई, बोले सॉरी हमारी तो जिम्मेदारी नहीं। ये बात तो हर बंदा कह रहा है कि अगर बाइक उठ जाए तो कोई जवाबदारी नहीं। जैसे कि आपने देखा कि अवामी मरकज़ पे किस तरह गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का एक अंबार लगा हुआ है, लोगों को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से, फिर मैं कहता जब हूँ कि कराची वालों को लूटा जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। चार्ज पार्किंग बिल्कुल लीगल हो सकती है, पर पर्चियाँ गैर कानूनी तौर पर 30 रुपये या फिर मनपसंद पैसे चार्ज किया। लेकिन एक बार फिर मैं तारिक रोड जब पहुँचा तो मेरा दिल यहाँ पर एक बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर वही लोग ये बताने लगा के बैठे हैं, वही ट्रैफिक जैम है, वही लोग चार्ज पार्किंग पे दोबारा बैठे हुए जो आपने देखा कैमरे में। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा DSP अमजद साहब से रब्ता करने की कि जिन्होंने लास्ट टाइम उन लोगों पे FIR कटवाई वो कैसे दोबारा आके ये काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अमजद साहब से बात हो सके, मैं उनको कॉलअप करने की कोशिश करूँ कि उनसे जब बात हो मेरी तो ये बात मैं अमजद साहब के सामने रख सकूँ कि आखिर अमजद साहब इस मसले का हल कैसे निकलेगा। मैं कोशिश करूँ कि अमजद साहब को लाइन पे लूँ और अमजद साहब से ये जानूँ कि आखिर इस मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं और ये क्या बार बार की कहानी है कि इनको उठाया जाए। मेरे साथ लाइन पर अमजद साहब, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हालत है अमजद साहब? ठीक ठाक। अदील खान बात कर रहा हूँ, नंबर सेव होगा यकीनन आपके पास। अमजद भाई सॉरी, रात के 9 बजे के वक्त मैं आपको कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ और एक बहुत ही छोटे मसले पे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा हूँ कि एक बार फिर देखने में ये आ रहा है कि रोड जाम हो रहे हैं, वही ठिए पतारे लगा दिए गए, फिर वही चार्ज पार्किंग पे लोग खड़े हो गए जिनके खिलाफ FIR कटी हैं। अमजद साहब मैं आज फिर दिल से कहता हूँ कि आपकी अगर मौजूदगी मुझे मिल जाए जवाब तो चाहिए कि निशानदेही पर तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, क्या आपकी अवेलेबिलिटी मिल सकती है हमें? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आप मुझे एक घंटा दें बिल्कुल मिलेगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ सफाई वगैरह करवा के गया हूँ, गांधी सेंटर के कॉर्नर और ये सब चीज़ों को मैं सेट करा के गया हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सब सफाई करवा के बंदों को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके कि आप ये नहीं लगे यहाँ पे, तो वो करवा के और उसके 2-3 गाड़ियाँ थी उनको लिफ्ट करवा के फिर मैं आया था। तो मैं ज़रा नमाज अदा करके आपके पास आता हूँ तो अमजद साहब मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ, अगर एक घंटे के नोटिस पे आप आएंगे तो जवाब तो जाएगी नहीं, वहाँ से वादा करती है कि सर हम वेट करेंगे क्योंकि ये आवाम तक मैसेज जाना चाहिए कि हमारी फोर्सेस सो नहीं रही, काम करने को रेडी बैठी हुई है, बस निशानदेही सही हो तो हमारी फोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसे नहीं कहेंगे, हम हवाओं की खिदमत करना चाहते हैं और डेफिनेटली वो मैंने किया हुआ है कि तारिक रोड को इंशाल्लाह इंशाल्लाह तारिक रोड को क्लियर किया गया एक घंटे के नोटिस में अमजद साहब अपनी टीम के। बहुत शुक्रिया अमजद भाई वक्त देने के लिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, थैंक यू अमजद साहब। जैसे कि आपने सुना कि अमजद साहब का क्या कहना था, अमजद साहब ने लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट मुझे दिया है कि जवाब तो जाएगी टीम के, निशानदेही पे वो एक घंटे के अंदर अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और वो जैसे ही पहुँचेंगे तो जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी ट्रैफिक के मामला है उनको वो क्लियर करेंगे। चलते एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ वो फोर्स होंगी जिनका ये काम है ट्रैफिक क्लियर करना। चलते हैं ब्रेक की तरफ।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी चौक पे, जहाँ पे आगाज किया जा रहा है उस ऑपरेशन का जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, और वो है ठीए पतारे। अगर मैं बात करूँ तो काम तो केएमसी का है, लेकिन ये बीड़ा ट्रैफिक पुलिस ने उठाया, और डीएसपी अमजद की सरबराही में उनकी पूरी यहाँ पे टीम लग चुकी है जो स्टार्ट करी है तारिक रोड में वो जगहों को क्लियर करने की जिनकी वजह से रोड जाम होते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम में किस तरह आज रोड को क्लियर किया जाएगा, और तारिक रोड का ये इलाका इंशाल्लाह आज पूरी तरह क्लियर होगा। आए दिखाता हूँ, ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, ये पूरी फोर्स टीम यहाँ मौजूद है, अमजद साहब की सरबराही में टीम का आगाज किया गया। अमजद भाई मेरे साथ है, अमजद भाई वेलकम अगेन प्रोग्राम में। एक बार फिर ट्रैफिक के मामला को लेके मैं और आप आमने सामने आ चुके हैं, फिर तारिक रोड की वो जहरीला मसला ट्रैफिक जैम क्या देख रहे हैं आज? अभी आज हम इंक्रोचमेंट के लिए निकले हुए हैं और दो तीन होटलों पर अभी हमने किया है, दो तीन ये ना अपने पीछे देखे गाड़ी में तो हमने कुछ चीज़ें अभी लिफ्ट की हैं उसमें से, और हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं अगर कोई चीज़ हमें नज़र आएगी तो वो हम इंक्रोच कर लेंगे। प्रोग्राम में मैं और आप एक साथ फिर दोबारा से हैं और निशानदेही पे काम भी करेंगे, क्योंकि हमें आवाम को सहूलत देनी है सर, जो ट्रैफिक जाम होता है जिन वजूहत से होता है वो सब क्लियर करेंगे, और जो भी रुकावटें होंगी आज उसको हटाएंगे, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा ही कर रहे हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। जवाब तो यही से मुतमईन है आप आखिरी एपिसोड से भी? अल्लाह का शुक्र है आप लोगों के ताउन से और पब्लिक की सहूलत के लिए सब कुछ है, आपका भी अमल इसमें पेश पेश है। आवाम को खुश करना है कि आवाम को सहूलत मिले सर, आपका मेरा इंटरेस्ट यही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल पोस्ट रेडी है, यहाँ के हमारे एसओस भी मौजूद है, हमारे अमजद साहब भी मौजूद है, और अमजद साहब और मेरा ये दूसरी बार का टाकरा है कि एक बार मिलके फिर हम आवाम की खिदमत के लिए ऑन स्पॉट मौजूद है और आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन का आगाज करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ किया है और ऑपरेशन का सबसे बड़ी बात है आगाज़ हो चुका है, तारिक रोड में लिबर्टी चौक से आगाज़ किया गया है, और किसी को तकलीफ पहुंचाना ये मकसद नहीं है मेरी, अमजद साहब से जो भी बात हुई, जो भी गुफ्तगू आप देखेंगे, जो भी प्रोग्राम में आज देखेंगे हमारी निशानदेही पे, जवाब तो जाएगी टीम पर। इतना बड़ा इंक्रोचमेंट का एक मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि रातों रात उस पर एक्शन लिया जाएगा, और जिस तरह अमजद साहब की पूरी टीम ने और अमजद साहब ने खुद ने मुझे कोऑपरेट किया कि मैं आ रहा हूँ, आप बेफिक्र हैं, पूरी एक हम टीम को पूरी एक पावर के साथ लगा के इसको क्लियर करेंगे, और इंशाल्लाह आवाम को देखने में आएगा कि तारिक रोड को किस तरह क्लियर किया गया। मैं देखूँ कैमरामैन को दिखाऊंगा कि देखें ये वही जगह थी जो लास्ट एपिसोड में आपने देखी होगी कि यहाँ पे अच्छे खासे ठीक बता रहे थे, और अब आप देखें कि मैं वन वे जाने की कोशिश करूँगा ताकि मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि वहाँ से वो दिखाएँ ताकि वो अच्छा दिखा सकें कि किस तरह एंट्री हो चुकी है, और एक बड़ी प्रोटोकॉल के साथ हम यहाँ मौजूद हैं कि हमें तारिक रोड को क्लियर करना है। मैं थोड़ा सा रूल को बोलूँगा कि मैं थोड़ा सा वन वे साइड पर ज़रूर चल रहा हूँ, लेकिन ये भी मैं खिदमत इसलिए कर रहा हूँ कि दिखा सकूँ कि एक्चुअल मामला हैं क्या। और ये देखें अब आप हम ही बड़े ब्रांड के बाहर आज फिर मौजूद हैं कि किस तरह यहाँ पर इंक्रोचमेंट तौर पर पूरे होटल रोडों पर लगा दिए जाते हैं, गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, और फिर होता क्या है उससे आवाम को शदीद नुकसान होता है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे क्लैरिटी ये है कि पूरी फोर्स के साथ हम मौजूद हैं और टीम वर्क जारी है, और मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इंक्रोचमेंट का काम शुरू हो चुका है और हमें फ़ौरन उतरना पड़ेगा ताकि हम दिखा सकें कि किस तरह ये काम जारी है। बिल्कुल ये काम हो रहा है, और अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल यहाँ पे अब जैसे बिल्कुल ये होटल है, रात में यंगस्टर भी बैठे हुए होते हैं, और एक बिल्कुल अनथिक होता है कि पूरी रोड जाम किया जाता है, आधे आधे रोड पे ये लोग लगा के कुर्सी में बैठे होते हैं, इनको भी आज हमने पहले नोटिस दिया था, इनको पहले जबानी भी कहा, बिल्कुल याद है कि हमने सामने भी दिया था नोटिस का, कहा था इन सबको दो तीन मरतबा आके इनको वर्बली भी कहा कि भाई आप लोग अपनी कुर्सियों को अपने बिजनेस को अपने हद तक रखें, लोगों को तंग नहीं करें, लोगों के लिए रास्ते में रुकावट ना डालें, और मजबूरन फिर आज हमने बिल्कुल मजबूरन ही सर ये खिदमत है और आप कर रहे हैं। आए देखते हैं कि मजीद यहाँ पर और क्या चीज़ है जिसको ये यहाँ पे लिया जा रहा है,
बिल्कुल सवाल एक है कि पुलिस अपना काम कर रही है और आवाम को बार बार कह रही है कि आप लोग भी थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ एक मोटिव है कि हम ट्रैफिक किसी भी हाल में जाम होने आप नहीं देंगे। और मैं फिर कहूँगा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अमजद साहब की एक काविश मेरे साथ, मैं कहूँगा कि दो बार मैंने इनके साथ प्रोग्राम किया और दोनों बार अमजद साहब का एक ही मोटिव था कि मैं ट्रैफिक को जाम होने नहीं दूंगा। रूल सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे फिर वो गरीब हो, सबके लिए रूल फॉलो हो रहा है और यहाँ पर पूरी इस रोडों को क्लियर किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि चीज़ें मोबाइलों के अंदर भी भरी जा रही हैं और जहाँ पर भी मौका बन रहा है रोडों को क्लियर करने के लिए रोड क्लियर किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा कि मैंने दिखाया कि कैसे अवामी मरकज पे गैर कानूनी चार्ज पार्किंग थी, उसी तरह हमने तारिक रोड में आपको दिखाया कि कैसे गैर कानूनी तौर पर टीए पतारे भी लगे हुए, ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, जिसकी बिना पर जब मैंने अमजद साहब से रब्ता किया तो मैं यहाँ तारीफ करना पड़ेगी कि अमजद साहब ने मुझे एक घंटे के अंदर वो नोटिस दिया, बोला कि अदील मैं अपनी टीम के साथ आ रहा हूँ और आज इस मसले का हल हम निकालते हैं। और वो मसले का लिए था कि जवाब तो जाएगी निशानदेही पर, ऐसी सी जगह थी जहाँ पर तारीफ करना पड़ेगी, ये पूरी टीम मौजूद है कि सामान तक उठा के ला के रोड क्लियर किया गया, कुछ लोग हाथ में नहीं आ सके वो निकल गए, कोई भी वजूहत थी बात कैसे कहाँ निकल जाती कभी कभी ऐसो। तारिक रोड अली भी मेरे साथ मौजूद, अली बड़ा ज़बरदस्त अली भाई काम हुआ और डीएसपी खुद भी मौजूद थे, क्या लगता है ट्रैफिक कुछ कंट्रोल होगा अब दोबारा से? इंशाल्लाह आपके सामने हमने इसीलिए ये नाइट में हमने ये ऑपरेशन किया कि लोग सुबह को पता चलता है भाग जाते हैं, हमने नाइट में अपने जवान मंगाए, अपनी टीम मंगाई डीएसपी साहब के साथ आर के और हमारे तमाम सेक्शनों से नफरी मंगाई थी जो आपके सामने ऑपरेशन किया। और कि जिस तरह चार्ज पार्किंग गैर कानूनी चल रही है, इस तरह ठीक है पता भी गैर कानूनी लगे हुए थे और एक घंटे के नोटिस के ऊपर मैं कहूँगा कि पूरी नफरी जवान या माशाल्लाह थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, जवान भी माशाल्लाह भरपूर तरीके से यहाँ मौजूद हैं, ये पूरे जवान हैं, कुछ सिविल में भी हैं कुछ वर्दी में भी हैं और ये वो सब जवान हैं जिन्होंने एक घंटे के नोटिस के ऊपर तारिक रोड पर जवाब जो है कि निशानदेही पर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और मैं यहाँ मैं अमजद रफ़ी साहब को बिल्कुल कहूँगा कि थैंक यू सर कि आपने K21 की टीम को रिस्पॉन्ड करते हुए इस जगह को क्लियर करवाया और इस वक्त वो रोड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जैसे आपने देखा ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, इस तरह इंक्रोचमेंट की टीम भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा ज़बरदस्त एक घंटे के नोटिस के ऊपर सारी टीमें मौजूद और मैं कहूँगा कि हमारी निशानदेही भी थी, पुलिस की अपनी भी किरदार था कि उन्होंने कहा रोड क्लियर करना है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह रोड पर ऐसी कोई कहानी नहीं हो, रोड तक जाम ना हो, ताकि ये पथारे शतारे जो कुर्सियाँ वर्सियाँ लोगों ने लगाई ताकि लोगों की आमद और तो ट्रैफिक की रवानी सही चले, हमारी कोशिशें हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल कहूँगा कोशिश आपकी भी है, डीएसपी अमजद की भी है, अली रजा एसओ की भी है, हमारी सब की है और निशानदेही हमारी। अली भाई अब एक आखिरी क्वेश्चन, ये सामान तो जब्त हो गया है, बार बार सुनने में आता है कि पुलिस सामान छोड़ देती है, अब इस बारे में इसका क्या करने जा रहे हैं? सर ये हमें कोशिश की, हमें गाड़ी नहीं मिल सकी, रात का टाइम था, हमें मजना नहीं मिल सकी, नहीं तो ये अगर हमें आज मजना अभी मिलती ना तो ये सामान यहाँ डायरेक्ट ये टीम के साथ नेवल हेडक्वार्टर जाता, अभी हम मजबूर हैं। टाइम पीरियड में जितना हो सका उतना किया, सुबह हम जो है ये सामान मजना हमने सुबह मिलेगी, सुबह ये सामान मजना में लोड करके नेवल हेडक्वार्टर जाएंगे, अगर आप सुबह आओ तो आपकी भी मेहरबानी। हमारी निशानदेही पे इतना भी हुआ, मैं खुश हूँ रजब, जबरदस्त रहा और हमारी निशानदियाँ सही होती है नहीं होती है, जो हमारी हिम्मत थी हमने अपनी हिम्मत दिखाई है, निशानदेही बिल्कुल हमारी सही है क्योंकि जवाब तो चाहिए कि टीम हमेशा वो दिखाती है जो अकायद है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान इस उम्मीद से वो चीज़ें दिखाता हूँ, वो एक्सपोज करता हूँ कि उसका हल होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए काम होना चाहिए। और अगर ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है तो तारीफ भी इनकी बनती है और जहाँ गलतियाँ होती हैं वो भी दिखाते हैं, पर जहाँ तारीफ बनती है वो बताना चाहिए और जो दिखाया हकीमान से दिखाया सच दिखाया आप सबके सामने रखा। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि फिर आऊँगा फिर दिखाऊँगा और फिर साबित करूँगा क्या हकीकत है। अल्लाह हाफिज़।
प्रोग्राम के आखिर में मैं ज़रूर कहूँगा जो एक चीज़ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम सब हैं और हमारा दिल भी वही कहता है। क्या कहता है दिल हमारा? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।